लालू यादव के जेल में जाने के बाद से बिहार में विपक्षी सियासत झारखंड के रिम्स अस्पताल के सहारे हो गई है। वहीं से बिहार की सियासत में विपक्ष की कोडिंग और डिकोडिंग हो रही है। तभी तो आए दिन कोई ना कोई नेता लालू यादव से मिलने रांची के रिम्स अस्पताल पहुंचता ही रहता है। इसी कड़ी में कांग्रेस की बड़ी नेता और पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार लालू यादव से मिलने पहुंची। इस दौरान मीरा कुमार ने लालू यादव के स्वास्थ्य का हाल जाना। लालू से मुलाकात के बाद दोनों नेताओं के बीच क्या बात हुई, इस सवाल पर उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। मैं रिम्स में आई थी लालू प्रसाद जी के से भेंट करने के लिए, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए और उनका हाल चाल पूछने के लिए उनसे भेंट हो गई है। और अब मैं वापस जा रही हूँ। कुछ पॉलिटिकल में क्या चर्चा, बिहार में कैसी स्थिति रहेगी इस बार यूपीए की? इस दफ़ा बिहार में महागठबंधन की बहुत ही मजबूत स्थिति रहेगी, स्वीप करेगा महागठबंधन। लेकिन लालू से मिलने मीरा कुमार के साथ आरएलएसपी के नेता उपेंद्र कुशवाहा भी मौजूद थे। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वो लालू के स्वास्थ्य का हाल जानने आए थे। इसी बीच उन्होंने महागठबंधन की एकता से लेकर बिहार में सीट बंटवारे के मुद्दे पर बहुत कुछ बोला। राजनीति की बात करने के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं। लालू जी हमारे नेता है, बीमार है, हॉस्पिटल में है, तो इच्छा होती है कभी कभी आकर हालचाल लेने की, इसी वजह से हम आए हैं। और स्वाभाविक रूप से जब आते हैं तो थोड़ी चर्चा बैठने पर आदमी पॉलिटिकल आदमी कर ही लेता है, तो उस संदर्भ में भले कुछ चर्चा हो जाती है, वरना हम आए हैं स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए। महागठबंधन का क्या सीन बन रहा है? महागठबंधन का सीन बहुत अच्छा बन रहा है। महागठबंधन झारखंड, महागठबंधन बिहार में बहुत ही मजबूती से है, रहेगा, चुनाव जीतेगा सभी सीटों पर। सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला बन रहा है? सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला बनेगा आपको बताया जाएगा समय पे। सारी चीजें लगभग तय हो गई है, लेकिन समय पर हम लोग बताएंगे। उपेंद्र कुशवाहा यही नहीं रुके, उन्होंने प्रियंका गांधी के पॉलिटिक्स में आने से लेकर राहुल गांधी के पीएम उम्मीदवारी तक पर बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं, यह अच्छी बात है। प्रियंका जी आई है, कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा होगा। राहुल जी नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है उस पार्टी के। राहुल गांधी जी स्वाभाविक रूप से हमने तो पहले कहा कि हमारी पार्टी की ओर से हम मानते हैं कि राहुल गांधी जी फिट उम्मीदवार हैं। आपको बता दें कि बिहार में आरएलएसपी 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। तभी तो वो लालू यादव से लगातार मुलाकात कर सीट शेयरिंग पर चर्चा कर रही है। कुशवाहा के चेहरे की खुशी बताती है कि आरजेडी उनके मन मुताबिक सीटों पर मान गई है। ऐसे में सीटों का ऐलान कब होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन अगर मीरा कुमार लालू से मिलने पहुंची तो उसके मायने क्या है, ये भी बड़ा सवाल है। क्या वो अपने लिए समर्थन मांगने पहुंची थी या फिर ये मुलाकात महज एक औपचारिकता भर थी? ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।